फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक प्ले पर। ये कोई पोएम नहीं है, ये स्टोरी नहीं है, ये बस प्ले है। ऑन डिमांड आप सब लोगों ने कहा था कि इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का प्ले जो है उसका नाम है इफ आई वर यू, और इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। अब हम कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे और हम बहुत इजी वर्ड यूज करेंगे इस चैप्टर को समझने के लिए। तो मैं इसको बहुत इजी वर्ड्स में आपको समझाने वाला हूँ और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये प्ले एक इंक्लूडर के ऊपर है। इंक्लूडर कौन होता है? इंक्लूडर एक ऐसा पर्सन होता है जिसे आप कहते हो बिन बुलाए मेहमान, जैसे कि कहाँ से आ गया, कहाँ से टपक गया, या कोई अनजान पर्सन जिसे आप नहीं मिलना चाहते हो तब भी वो आ जाता है, उसे कहते हैं। और वो जो इंक्लूडर है वो एक अनजान गेस्ट तो है ही है, लेकिन वो एक क्रिमिनल भी है। हाँ, ध्यान रखिएगा गाइस, वो एक क्रिमिनल भी है। तो प्ले ऐसे शुरू होता है कि एक पर्सन है जिराड नाम के, और वो एक कल्चरल प्ले राइटर है। वो प्ले वगैरह लिखते हैं, इज अ राइटर। ऐसे ही अपनी डेली लाइफ की तरह एक दिन की बात है, वो अपने रेगुलर शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहे थे, और उनके पास जो है वो उनके पास बहुत काम बहुत था। वो बहुत ज्यादा घर में कम बाहर ज्यादा रहा करते थे, बाहर लोगों से मिलना, उठना, बैठना और सब। और ऐसी एक दिन की बात है, तभी वो अपने काम में बिजी थे, तभी एक इंक्लूडर वो आता है। वो इंक्लूडर उनके कॉटेज में आ जाता है, और उनके कॉटेज में एक अनजान पर्सन आता है, और वो पर्सन उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता है, बस इतना जानता है कि उनका नाम जिराड है। बेसिकली क्या होता है, वो एक क्रिमिनल है। वो उस कॉटेज में इस वजह से आया क्यों कि उसको ऐसा लगा, जो जिराड है इस कहानी का मेन हीरो कह सकते हैं आप, वो देखने में टू कॉपी उसके जैसा है। उसको ऐसा मारना था कि अगर मैं अपने सारे क्राइम्स जो मुझ पे केसेस चल रहे हैं और मेरे पीछे जो पुलिस है, अगर मैं इस पर्सन को किल करके मार के मर्डर करके तो इसकी प्लेस ले लेता हूं तो मैं बच जाऊंगा। और ये बात वो सोच के रखता है, और उसके बाद वो जॉर्ज से मिल तो वो जॉर्ज के पास जाता है और उससे बोलता है अपनी बात ऐसे ऐसे, तो उससे कुछ बातें करता है, नाम पूछता है। और जिराड जो होता है उसको पता चल जाता है कि वो उसको मारना चाहता है, और वहां पर जिराड जो होता है वो अपना दिमाग दौड़ाता है। अब आता है बड़ा मजा, जिराड क्या करता है, वो उससे क्रिमिनल से कहता है, देख भाई मैं भी एक मर्डरर हूं, मेरे ऊपर भी केस चल रहा है, पुलिस मेरे पीछे, और मेरे एक साथी को भी वो पकड़ चुके हैं। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम पक्का फंस जाओगे। वो उसे इतना डरा देता है कि अगर तुमने मेरी प्लेस ले ही तुम तब भी फंसने वाले हो, बहुत बुरा। और देखिए कितनी सिंपल सी स्टोरी है, देखिए वो अपना कितना दिमाग यूज कर रहा है। तो वो कहता है वो मर्डर है और वो तुम ऐसे से फंस जाओगे। तो जिराड क्या कहता है, हम दोनों साथ में चलते हैं और यहाँ से भाग चलते हैं गाड़ी में। और इंक्लूडर भी सोचता है, हाँ यार बात तो सही है, अगर ये सच बोला होगा तो मैं तो फंस जाऊंगा, कहीं का नहीं रहूंगा, जो जैसे कि इसके केस कम हो मेरे के और इसके जैसे कि मेरे केस कम हो उसके केस ज्यादा, तो मैं तो फंस जाऊंगा। लेकिन वो उसको मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो इरादा छोड़ देता है अपना फिर मारने का। और वो लोग जा रहे होते हैं और किचन से बाहर निकल वो सॉरी कॉटरेज से बाहर निकलते हैं, गाड़ी की तरफ दौड़ रहे होते हैं। उसी बीच और निकलने से पहले जिराड जो है उसको धक्का देके कलवारी में बंद कर देता है, और उसके बाद वो पुलिस को फोन करता है और पुलिस आके उसको पकड़ लेती है। यहाँ पर एंड ऐसा हुआ है कि वो चोर को धक्का दे देता है और कबर्ड में बंद कर देता है, और पुलिस को फोन करता है और बुला लेता है। और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।